अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बेतुका बयान ने हलचल मचा रखी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। इस बाबत सद्भावना मंच के बैनर तले मार्च किया गया है, जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं। इलाके में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए सुरक्षा बलों ने आम आवाम के साथ मार्च किया है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान आम लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की गई है। वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर सद्भावना मंच के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया यूजर्स को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। एक्शन लें, आप लोग अपने स्तर से एक्शन लें कि आप लोगों को क्या करना है और अपने समाज में हम लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था ये करें। एसपी साहब ने क्लियरली बता भी दिया कि जो कल की घटना हुई उस पर भी कार्रवाई हो रही है और साइबर थाना के माध्यम से जो भी इस तरह से आए हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई में आ गए। रुकिए अभी तो, और अपने गली मोहल्ले में जितने बच्चे हैं, यूथ हैं, ये मैसेज पहुंचा, अन्यथा हम ही तक ये मैसेज में आ जाए कि वाहिद जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हम लोग बढ़िया रह गए और हमारे साथ के मोहल्ले के बच्चे वो गलत दिशा में बढ़ गए, तो हमारा बढ़िया रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस मैसेज को लेके जाए और समाज में बाकी दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए और जिस तरह से अररिया का नाम हमेशा अच्छे से लिया जाता है, उस प्रकार से हम लोग अररिया का नाम। I'm going to go to the hospital.